गुड़िया मत रो, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे पास ही हूँ बेटी। गुड़िया जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, पीछे चुड़ैल खड़ी होती है। नहीं नहीं चुड़ैल आंटी, मुझे मारना मत, मेरे पापा भी घर पर नहीं है, अब मैं क्या करूँ? भगवान जी मेरी मदद करो उस दिन की तरह। गुड़िया बेटी डरो मत, उस दिन भी तुम्हारी मदद अदृश्य रूप में मैंने ही की थी, मैं तुम्हारी माँ हूँ कोमल। क्या मेरी माँ? तो उस दिन मेरे सामने क्यों नहीं आई थी? मुझे लगा भगवान जी हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं। मेरा ये डरावना रूप देखकर तुम डर ना जाओ इसलिए। और हाँ, मुझे भगवान जी ने तो शक्ति दी है कि मैं मरने के बाद भी तुम्हारी रक्षा कर सकूं। जब तक तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर चुड़ैल कुछ पलों के लिए अपने चुड़ैल के रूप से कोमल के रूप में आ जाती है, जिसे देखकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। देखो अब तो ठीक है ना, अब तो पहचानो मुझे। माँ तुम आ गई माँ, ऐसा कहकर गुड़िया कोमल के गले लग जाती है। हाँ बेटी मैं ही हूँ तुम्हारी माँ, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना। फिर कोमल अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। माँ अब तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, अब मैं आपसे नहीं डरूंगी, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ बाबा मुझे पता है, अब बताओ मुझे तुम क्यों रो रही थी? माँ पता है हमारी डांस टीचर बहुत बुरे हैं। फिर गुड़िया कोमल को सारी बात बताती है। कोमल को बहुत गुस्सा आता है। कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगी, इस करण सर को मैं ऐसा डांस सिखाऊंगी, अब तुम डरो मत। क्या माँ सच? फिर तो मजा आ जाएगा। फिर सारी रात गुड़िया चुड़ैल से बातें करती रहती है और गुड़िया चुड़ैल की गोद में ही सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह, अरे गुड़िया बेटा उठ जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे पापा मैं तो तैयार भी हो गई कब की। क्या बात है, वाह, चलो आ जाओ खाना खा लो अब। फिर राजू गुड़िया को खाना देता है और टेबल पर चुड़ैल भी बैठी होती है, पर राजू को नहीं दिखती। राजू गुड़िया को पराठा देता है। वाह वाह, चलो चलो जल्दी से खा लो, मैं और लेकर आता हूँ। माँ लो आप भी चुपके से खा लो, पापा रसोई में बना रहे हैं। चुड़ैल रोटी खा लेती है। वाह गुड़िया तुम्हारे पापा तो बहुत अच्छा खाना बनाने लगे हैं, ऐसे तो मैं खाती जाऊंगी और वो बनाते बनाते थक जाएंगे। हाँ माँ आप जी भर के खाओ आज। पापा और रोटी दो ना, आज बहुत अच्छा बनाया है आपने आलू का पराठा। वाह वो भी मक्खन के साथ, मजा आ गया। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो, और इतने पराठे तो तुमने कभी नहीं खाए, बस करो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। चुड़ैल और गुड़िया हंसने लगते हैं। राजू को कुछ समझ नहीं आता। पता नहीं आज तुम्हें क्या हो गया है, चलो अब स्कूल जाओ। फिर गुड़िया और कोमल स्कूल जाते हैं। जब डांस क्लास चल रही होती है तभी कोमल करण को अदृश्य रूप में हवा में उठा लेती है। अरे मर गया, अरे अरे छोड़ दे चुड़ैल, अरे बच्चे की जान लेगी क्या, अरे छोड़ दे तेरा दास बेटे, अरे गांव वालों बचाओ। सब बच्चे करण पर हंसने लगते हैं। अरे मर गया रे, कौन है भाई, उसे ऊपर क्यों उठा लिया? क्या हुआ सर, आज डांस नहीं सिखाओगे? गुड़िया ये क्या जादू है? बस ये सब मेरा जादू है समझ लो, अब आएगा मजा। इनको तो मजा चखाना ही था। सर अगली बार से हमें कैसे डांस सिखाओगे? दूर से बेटा दूर से, अब तो मुझे नीचे उतार दो, और जादू मत दिखाओ सबको, प्लीज जादू मत दिखाओ। ठीक है मेरे जादूगर, छोड़ दो इन्हें। फिर चुड़ैल करण को छोड़ देती है। अरे मर गया रे, मेरी कमर टूट गई रे। सब बच्चे हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ये क्या माजरा है, ये कोई जादू नहीं, भूत प्रेत का काम लगता है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छे खासे मजे कर रहा था,
छोटी छोटी लड़कियों को छेड़कर। चुड़ैल नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ऐसे नहीं, चल ये औरतों के कपड़े पहन और जाकर पूरे स्कूल के आगे लड़कियों की तरह नाच, तभी मैं तुझे छोड़ूंगी। मेरी बेटी के साथ गलत करना चाह रहा था तू, और मैं तुझे इतने सस्ते में छोड़ दूं? कभी नहीं। फिर करण औरतों की तरह के कपड़े पहनता है और सारे स्कूल और बच्चों के आगे नाचता है और गाना गाता है। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के, बिन घुंघरू के, बिन घुंघरू के। सारे टीचर्स और बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। अगले दिन करण एक बाबा के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। बेटा तुम्हें नहीं पता कि बहुत सालों पहले गुड़िया की माँ कोमल मर कर भी अपनी बेटी की रक्षा करने चुड़ैल बनकर वापस आ गई थी, और अपने ससुर मोटा राम को जेल पहुँचाया था और सास मोहना को जान से मार दिया था। ये घटना तो पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। तुम्हें नहीं पता, हो सकता है कोमल वापस आ गई हो। नहीं, मैं तो कुछ साल पहले ही इस गांव में आया था, मुझे नहीं पता कि ऐसा भी कुछ हुआ था। लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे उस चुड़ैल से बदला लेना है। बाबा आप मेरी मदद करो, उसने मेरे सारे स्कूल के आगे बहुत बेइज्जती की है। मैं आपको मुंह मांगे पैसे दूंगा। मुझे पैसे नहीं, उस चुड़ैल की शक्तियाँ चाहिए। अगर कोमल वापस आ गई है और यही सच है तो वो बहुत शक्तिशाली हो गई होगी। फिर करण जेल जाता है और मोटा राम को जेल से निकलवा लेता है। अरे भाई तुम्हारा धन्यवाद, बस जेल की रोटी खा खा कर तंग आ गया था। मेरी बहू वापस आ गई है, अच्छा है, इस बार उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर करण बाबा और मोटा राम मिलकर योजना बनाते हैं। दूसरी ओर गुड़िया राजू को सारी बात बताती है और कोमल को राजू से मिलवाती है। राजू कोमल से मिलकर बहुत खुश होता है। फिर अगली सुबह मोटा राम अपने घर जाता है। राजू बेटा मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा बेटा। कोई बात नहीं, आपको गलती का एहसास है वही काफी है। गुड़िया बेटी चलो आज दादा पोती घूमने चलते हैं। चलो। ठीक है दादाजी, चलो। मोटा राम और करण मिलकर गुड़िया को ले जाकर बाबा के पास बांध देते हैं। आप सब बहुत बुरे हो, मेरी माँ आपको नहीं छोड़ेगी। तो बुलाना अपनी माँ को। छोड़ दो मुझे माँ, माँ। तभी चुड़ैल वहाँ अदृश्य रूप में आ जाती है और मोटा राम और करण को गर्दन से उठा लेती है। अरे बाबा जी, बाबा जी कैद करो इस चुड़ैल को, हम तो तुम्हारे ही भरोसे हैं। अरे भाई चुड़ैल दिखेगी तभी तो कुछ करूँगा, ये चुड़ैल तो बहुत ताकतवर है, मेरे बस का नहीं है भाई। भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो, भागो रे भागो। अरे नास मिटे करण, ये कैसे फर्जी बाबा को लाया था, वो सुसरी का तो भाग गया, अब हमें कौन बचाएगा बे। इतना बोलकर चुड़ैल दोनों को वहीं मार देती है। फिर राजू गुड़िया और कोमल कुछ साल ऐसे ही साथ रहते हैं, और जब गुड़िया बड़ी हो जाती है तो चुड़ैल और राजू एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवा देते हैं। राजू गुड़िया बेटी, आज मेरी सारी जिम्मेदारी खत्म, अब मैं आराम से हमेशा के लिए मुक्त हो सकूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल कोमल के रूप में आकर गुड़िया को गले लगाकर विदा करती है और माता की मूर्ति में हमेशा के लिए मुक्त होकर चली जाती है।